सब बंक बेड ऐसे ही हैं। ठीक, अब आपको वॉशरूम दिखा देते हैं। ये देखो अनलॉक हो गया। अब इसको आप लोगों को थोड़ा सा प्रेस करना है। एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आवारा राइडर। तो कैसे हो आप सभी लोग, आई होप जहाँ पे मचा रहे हो। तो जी फाइनली अभी अपन मचा रहे हैं क्वीन ऑफ हिल्स यानी कि मसूरी। और अगर आप लोगों ने हमारा पिछला ब्लॉग नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने ट्रेवल किया था लखनऊ टू देहरादून बाई वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुई है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आप लोग वो वीडियो जरूर देखना। और अगर आप लोग लखनऊ निवासी हो यानी कि नवाबों के शहर से हो, तो आप लोग को बहुत ही अच्छी सौगात मिली है। मात्र 8 घंटे में आप लोगों को अगर पहाड़ों पे आना है, पहाड़ों पे दर्शन करना है, मसूरी देहरादून इत्यादि वगैरह घूमना है, तो 8 घंटे में आप यहाँ से आराम से आ सकते हो। और इसका टाइमिंग वगैरह भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं मसूरी और एक हॉस्टल में हम रुके हुए हैं। तो इस हॉस्टल का हमें लुक, इंटीरियर वगैरह जो डिज़ाइन वगैरह और इसके साथ ही इसका जो प्राइस वगैरह है, काफ़ी मतलब अच्छा लगा। ठीक है, तो हमने सोचा कि आप लोग को भी सजेस्ट किया जाए वीडियो के माध्यम से। तो जस्ट ये हॉस्टल पे ही खड़े ही हैं, तो चलिए आप लोग को पूरा ही इसका हॉस्टल का टूर कराएँगे। जो भी जैसा भी बंक बेड रहता है, कैसा इसके साथ क्या इसमें रूम वगैरह हैं, इसके साथ अगर रूम है तो फिर क्या प्राइस चार्जेस होने वाले हैं, और खाना वगैरह क्या फैसिलिटीज़ है। साथ ही यहीं से देखिए मात्र 500 मीटर पे यानी कि यहाँ से करीब 3 बैंड ऊपर आप लोग को मिल जाएगा माल रोड। तो माल रोड भी काफ़ी नज़दीक ही है यहाँ से। अगर आप लोग माल रोड का नज़ारा शाम के टाइम लेना चाहते हो तो यहाँ से बस वॉकिंग डिस्टेंस पे आप लोग जा सकते हो। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को टूर कराते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे माल रोड, वहाँ पर घूमेंगे, खाएँगे पियेंगे, उसके बाद फिर आएँगे। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं बाहर, वहाँ से पूरा टूर आप लोग को हॉस्टल का कराएंगे। लास्ट में हम आप लोग को प्राइस बताएंगे कि हमें बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में मिला है। तो आप लोग भी अगर मसूरी आना चाहते हो तो आप लोगों के लिए एक अच्छा स्टे ये हो सकता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स देख लो आप, ये रहा गोस्ट ऑफ हॉस्टल। और इधर साइड ये देखिए नीचे से रोड आ रही है, ये आ रही देहरादून से और ये सीधे चली जा रही है माल रोड के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अंदर। इधर से आप लोग को कुछ एंट्री करनी है और यहाँ से आप लोग को सबसे पहले व्यू दिखा देते हैं इस हॉस्टल से। ये देखिए कुछ इस तरीके का आप लोग को व्यू मिल जाता है हॉस्टल से, है ना खूबसूरत। सुबह के टाइम आपको दिखाएंगे और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अभी तो 6 बज गए ना, तो थोड़ी सी रौनक जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है। तो यहाँ से आप लोग को बिल्कुल ही नीचे चले जाना है डाउन पे। तो देखिए ये रहा इनका पार्किंग एरिया, यहाँ पे आप लोग अपनी बाइक वगैरह अगर से आते हो तो पार्क कर सकते हो, ऊपर की साइड कार वगैरह पार्क कर सकते हो। ठीक है, और ये इनका बालकनी वाला एरिया है और इधर से आपको मिल जाएगा ये रिसेप्शन। ठीक, यहाँ से आपको एंट्री करनी है हॉस्टल के लिए। तो देखिए कुछ इस तरीके का आपको मिल जाएगा रिसेप्शन। यहाँ से आप लोग बुकिंग वगैरह जो भी किए रहोगे ना, यहाँ से आप लोग को की वगैरह मिल जाएगी। ठीक, अब चलते हैं नीचे की साइड, आप लोग को सबसे पहले बालकनी वगैरह दिखाते हैं जो इसका वेटिंग एरिया है। तो देखिए इस साइड भी आप लोग को बंक बेड मिल जाएंगे, ये रूम है। बट मेरा जो रूम है वो मैं आपको अंदर से चल के दिखाऊंगा। और इधर की साइड आप लोग को ये मिल जाता है वेटिंग एरिया, यहाँ पे आप लोग बैठ वगैरह सकते हो आराम से। ठीक, और बाहर की साइड आप लोग को मिल जाएगा स्मोकिंग जोन। ठीक, स्मोकिंग जोन भी है, अगर आप लोग नज़ारों का एंजॉय करना चाहते हो तो इधर भी आप लोग आ सकते हो। ठीक, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा यहाँ से व्यू पॉइंट। ये देख लीजिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यार, शाम के टाइम भी काफ़ी अच्छा यहाँ से आप लोग को व्यू मिल जाता है। ठीक, यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस है, यहाँ पे आप लोग आराम से बैठ कर, अगर जो लोग स्मोकिंग करना चाहते हैं स्मोकिंग कर सकते हैं, बाकी जो लोग चाय पानी नाश्ता इंजॉय करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक, और अंदर भी वेटिंग एरिया बना हुआ है, इसका भी आप लोग लुत्फ उठा सकते हो। ठीक, अब चलते हैं अपना रूम दिखाते हैं आप लोग को। ठीक है, जो हमारा बंक बेड है वो थोड़ा सा नीचे है, ऊपर की साइड भी है, इधर की साइड मैंने आपको दिखाया ना, इधर की साइड भी है, बट वो फुल हो चुका है तो हमें थोड़ा सा नीचे जाना पड़ा है। ठीक,
ठीक है, अच्छा है। देखो तो देखिए काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन आप लोग को ये पूरा ये हॉस्टल देखने को मिल जाता है, और हर फ्लोर पर ये आप लोग को RO वाटर मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग पानी का बॉटल वगैरह भर सकते हो। ठीक, अब चलते हैं अपना रूम दिखाते हैं। ये देखिए 201 इधर भी है, ये भी हॉस्ट बंक बेड ही है, बट अपना है 203। ये अब इसकी एक खास बात बताते हैं, ये कैसे इसका डोर ओपन होगा, तो अब आपको दिखाते हैं इसका डोर कैसे ओपन होगा। देखो भाई, इसके लिए कोई की वगैरह आपको नहीं मिलेगा ये डोर ओपन करने के लिए, आपको गो स्टॉप्स ये इसका इनका एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, है ना। गो स्टॉप्स एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, यहीं से आप लोग को ये इसको ओपन करना है। थोड़ा सा स्लाइड करोगे तो यहाँ पर देखिए ये आपको ऑप्शन मिल जाता है स्लाइड टू अनलॉक की, इसको आप लोग को स्लाइड करना है। इसके बाद यहाँ पर ये डोर आपका ओपन हो जाएगा, ये देखिए। ठीक, तो कुछ इस तरीके से आपका डोर ओपन होगा। वो भी भाई इससे लॉक हो गया। ये देखो अनलॉक हो गया। अब इसको आप लोग को थोड़ा सा प्रेस करना है एंड अंदर आना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से डॉम्स बेड आप लोग को मिल जाते हैं। एक मिनट लाइट चला दें फिर आपको दिखाते हैं। ओके, ओ माय गॉड, देखो तो सही। यहाँ पे इसमें 10 बेड हैं, एक तो किसी में 8 बेड है, किसी में 10 बेड है, किसी में 12 बेड है, इस तरीके से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और जी ये रहा अपना बेड नीचे वाला, आपको दिखा देते हैं क्या क्या इसमें आप लोग को देखने को मिल जाता है। बंक बेड मिल जाएगा जिसमें आप लोग को ये एक लाइट मिल जाएगी, कहते पिलो यानी कि तकिया वगैरह मिल जाएगा, एंड ये सामान वगैरह रखने के लिए अगर आप लोग यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी इस साइड ये देखिए रजाई वगैरह रखे गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बंक बेड रहेगा, इसी जितने भी हैं सब बंक बेड इसी तरीके से हैं। और सामान वगैरह रखने के लिए आप लोग को मिल जाता है ये लॉकर, यहाँ पर आप लोग अपना सामान वगैरह रख सकते हो। ठीक, चलिए और भी आपको दिखा देते हैं ये वाला। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग को ये मिल जाता है, ये ऐसे ही सारे ऊपर नीचे जो भी है ऐसे ही सब बंक बेड ऐसे ही हैं। ठीक, अब आपको वॉशरूम दिखा देते हैं। वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन है, ये देखिए। सबसे पहले तो जैसे आप एंटर होते हो यहाँ पे आप लोग को अपना मुखड़ा निहारने के लिए ये मिरर मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये हैंड वॉश मिल जाता है, और ये रही वॉश बेसिन, और ये जी रहा शावर नाव अगर सकते हो। ठीक, और ये रहा टॉयलेट। ठीक, और एक रूम में जितने भी बंक बेड है ना सभी का एक कॉमन रहता है। ठीक, कॉमन टॉयलेट बाथरूम रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यार मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छा लगा और पसंद भी आया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन और बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पे है। तो हमने सोचा कि आप लोग को भी वीडियो बनाकर दिखा दिया जाए, है ना। अच्छा, ये देख लो भाई, यहाँ के डॉम्स की सबसे खास बात जानते हैं क्या है, कि वो जो एक्सेस मैंने आपको दिखाया ना डोर्स के एक्सेस, तो जिनके पास भी एक्सेस रहेगा वही इस डॉर्मेट्री में अंदर आ सकते हैं रूम में, कोई बाहर का आदमी आ नहीं सकता। आपने देखा होगा कैसे ये डोर्स ओपन होते हैं। ठीक, तो जिनके पास एक्सेस रहेगा वही आ सकते हैं, बाकी बाहर का कोई स्टाफ वगैरह अगर आप सोचोगे अंदर आ जाए नहीं आ पाएंगे बिना आपके परमिशन के यानी कि एक्सेस के। ठीक, तो मैंने आप लोग को लगभग दिखा दिया, और अब आपको बता देते हैं कि बुकिंग कैसे करनी है। तो बुकिंग आप लोग ऑनलाइन कर लेना, गो आई वीवो से मैंने किया था, मेक माई ट्रिप पे भी है, बाकी इनका जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप लोग एक्सेस वगैरह डोर से करते हो ना, गो स्टॉप्स, उसके थ्रू भी आप इनका एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप लोग बुकिंग कर सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं मॉल रोड पे, आप लोग को घुमाते हैं और वहाँ पे खाना पीना खाकर फिर यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए अंदर आने के लिए तो एक्सेस चाहिए होता है, लेकिन बाहर जाने के लिए आप नॉर्मली इसको ऐसे करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा डोर्स। ठीक, अब ये बंद हो गया। अब बाहर से अगर कोई अंदर आना चाहेगा तो नहीं जा पाएगा विदाउट एक्सेस के। बाकी नीचे साइड आप लोग को ये कॉमन एरिया मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे आप लोग गेम वगैरह खेल सकते हो, ये देखिए यहाँ पे, और सिटिंग एरिया भी बनाया गया इस तरफ, ये देखिए काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है, और लुक और डिज़ाइन वगैरह बहुत ही अच्छा किया गया है। ऐसा हॉस्टल मैंने लद्दाख में देखा था, बाकी और जगह तो नहीं देखा था। ठीक ना, तो गो स्टॉप की ये प्रॉपर्टी मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद आ रही है। ठीक, यहाँ पे आप लोग जो भी फूड वगैरह ऑर्डर करोगे यहाँ पे बैठकर आप आराम से खा पी सकते हो, है ना।
ये देखिए लिखा गया सामने वेलकम टू क्वीन ऑफ हिल्स। ठीक यहाँ से अभी हम चल रहे हैं माल रोड की तरफ। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी 10:25 हो रहे हैं और जी हम आ चुके हैं मसूरी बस स्टैंड पे और जा रहे हैं फिर से जी देहरादून। ठीक है, तो ये टिकट हमने ले लिया। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था ना कल भी, अगर आप लोग यहाँ से बस वगैरह से जा रहे हो तो टिकट आपको बस में नहीं मिलेगा, टिकट आपको यहाँ पर रोडवेज है, रोडवेज का ऑफिस यहाँ पर आप लोग को टिकट मिलेगा। ठीक है, फिर आप जो सीट अलाट होगी उस सीट के हिसाब से आपको जाकर बस में बैठना है। ये देखिए इधर पर बस इधर लगी हुई है। ठीक, तो निकलने से पहले हम आप लोग को होटल का रिव्यू अच्छे से बता दें। देखिए सबसे पहले तो प्राइस की बात कर लेते हैं। देखिए प्राइस वेरी करता है समय समय पे, सीजन टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। तो 400 से लेकर 600 रुपए के बीच में रहने वाला है और मैंने जो बुक किया था वो 444 रुपए में बुक किया था गो आई बी बो के थ्रू। बाकी आप लोग इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल एप्लीकेशन है, उसके थ्रू भी बुक कर सकते हो। गो स्टॉप, इसके आते गो आई वी वो, MMT, किसी से भी बुक कर सकते हो। जहाँ से भी आप लोग को सस्ता पड़े वहाँ से आप बुक कर सकते हो। हॉस्टल की फैसिलिटी वगैरह बहुत ही अच्छी थी, बस फूड थोड़ा सा महंगा है। तो फूड आप लोग इधर की साइड माल रोड वगैरह तो आओगे ही, तो यहाँ पर आप लोग आकर है ना माल रोड आकर आप लोग खाना पीना खा सकते हो घूमने वगैरह के लिए जब आओगे तो। ठीक है, बस ठीक है, बाकी सब कुछ मैंने आप लोग को बता ही दिया। डॉर्मेट्री भी दिखा दी, इससे आते जो इनके प्राइवेट रूम थे वो भी आपको दिखा दिया है। ठीक है, अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बस टिकट ले लिए, अब चलते हैं। अब बस अपनी खड़ी है, इंतज़ार कर रही है भाई, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे है ना। चलो ठीक है, बाय बाय। तो देखो टिकट आपको यहाँ से लेना है। ठीक, ये रहा आपका बस स्टैंड, यहाँ से आपको टिकट लेना है। ठीक।